ये स्थिति क्यों पैदा हुई इसे समझने के लिए आपको इतिहास में झांकना होगा। 11 मार्च 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था जिसने भीषण तबाही मचाई थी। समुद्र में हलचल बढ़ने से आई सुनामी ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद कर दिया। रिएक्टर की कूलिंग के लिए जनरेटर स्टार्ट किए गए लेकिन पानी घुसने से वो भी बंद हो गए। नतीजा रिएक्टर गर्म होकर पिघलने लगे। ऐसे में रिएक्टर में चेन रिएक्शन रोकने के लिए समुद्र का पानी इस्तेमाल किया गया। ये वही पानी है जिसे अब वापस समुद्र में छोड़ा जा रहा है, लेकिन पानी के रिएक्टर रॉड के संपर्क में आने से रेडियो एक्टिव तत्व घुलने का खतरा बना हुआ है। सवाल है कि क्या इस खतरे की जद में हमारा देश भी है। किस्तों में फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से ट्रीटेड पानी पैसिफिक ओशन में छोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध में उठती आवाज और तेज हो रही है। शनिवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, भविष्य की चिंता जताई, दक्षिण कोरिया सरकार से जापान सरकार पर दबाव बनाने की मांग की। अब सवाल है, जब IAEA ने खतरा न होने की बात कही है तो फिर हंगामा क्यों मचा है? क्या ट्रीटेड पानी को लेकर कोई बात जापान सरकार की ओर से छिपाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर होगा? जापान से भारत की दूरी करीब 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। जाहिर है ट्रीटेड वाटर में मौजूद रेडियो एक्टिव तत्वों को हिंदुस्तान की सीमा तक पहुंचने में लंबा वक्त लगेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रीटेड वाटर में मौजूद ट्राइटियम के कण बेहद हल्के हैं। मुझे नहीं लगता कि जापान के फुकुशिमा के डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये जो पानी पैसिफिक ओशन में छोड़ा गया है ये कहीं से भी कोई हानि पैदा करेगा। IAEA ने इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये जो पानी है वो हानिकारक नहीं है, ये मानव के लिए वातावरण के लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं है। और जाहिर है कि IAEA के इस क्लियरेंस के बाद ही जापान ने ये पानी समुद्र में छोड़ना शुरू किया है, और भारत को या किसी अन्य राष्ट्र को इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। चीन और कोरिया और बाकी कुछ देशों ने वहाँ से सी फूड को इम्पोर्ट करने में बैन लगा दिया है, क्योंकि डर बैठा हुआ है न्यूक्लियर के रेडिएशन का। लोग मानते हैं कुछ डर होगा, लेकिन इतना कम क्वांटिटी में इतना फिल्टर करके जब पूरे कमेटी इसको रेगुलर मॉनिटर कर रही है, ऐसे में मेरे हिसाब से कोई इतना खतरा नहीं है कि इसको इतना बड़ा मामले को तूल दिया जाए। भारत में एक्सपर्ट जापान की ओर से उठाए कदमों को लेकर मुतमईन है। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि चीन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया में एहतियात के तौर पर कदम भी उठाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि जापान के कदम से चिंतित देश जल्द ही जापान से आने वाले सी फूड से पाबंदी भी हटा देंगे। हालांकि आने वाले वक्त में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के रुख में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं, ये सिर्फ कयास भर है, क्योंकि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने के बाद से वैश्विक स्तर पर उथल पुथल तेज है। जापान के कदम ने चीन को भड़का दिया है, यहाँ तक कि चीन ने जापान को दूसरा कदम अख्तियार करने की सलाह दे डाली है। लेकिन सवाल है कि क्या जापान के पास पानी को समंदर में छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प था? दरअसल न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद पानी को समंदर में छोड़ने की जगह भाप बनाकर उड़ाया जा सकता था, लेकिन पानी को भाप बनाने में कहीं ज्यादा खर्च करना होता। एक अनुमान के मुताबिक पानी को ट्रीट कर समुद्र में छोड़ने पर $23.3 मिलियन की लागत आएगी, जबकि पानी को भाप बनाने में इससे 10 गुना ज्यादा खर्च आएगा। इसी वजह से जापान ने पानी को भाप बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। जापान के सामने समस्या ये भी है कि वो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना चाहता है, ऐसे में प्लांट में मौजूद पानी को वहाँ से हटाना जरूरी है। दूसरा, अब प्लांट में और ज्यादा पानी को स्टोर करने की क्षमता भी नहीं बची है, ऐसे में जापान के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।